बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। कुछ इस तरह की पंक्तियों को चरितार्थ कर दिखाया है करनाल के इंद्री शहर की 11 वर्षीय सलोनी ने, जिन्होंने अभी हाल ही में पानीपत में आयोजित 34वीं स्टेट पावर लिफ्टिंग में भाग लेते हुए सिल्वर मेडल जीतकर अपने माता पिता के साथ साथ अपने शहर और जिले का नाम भी रोशन किया है। पानीपत की रोड धर्मशाला में आयोजित राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में सलोनी ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में इंद्री के द पावर जिम की ओर से भाग लेते हुए 60 किलोग्राम भार उठाकर यह उपलब्धि प्राप्त की है। 48 किलोग्राम भार वर्ग की सलोनी ने स्क्वाट में 27, बेंच प्रेस में 30 किलो और डेडलिफ्ट में 60 किलो भार उठाकर सभी को हैरान कर दिया। प्रतियोगिता में सभी जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के बाद वह उड़ीसा में 3 माह बाद आयोजित होने वाली नेशनल प्रतियोगिता में दम दिखाएगी। सलोनी ने अपनी जीत का श्रेय अपने कोच संजीव लाठर व अपने माता पिता को दिया है। सलोनी के साथ ही नितेश कुमार ने 53 किलो भार वर्ग में भाग लेते हुए स्क्वाट में 85, बेंच प्रेस 70 और डेडलिफ्ट में 135 किलोग्राम भार उठाया है। जिम के संचालक संजीव लाठर ने बताया कि पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता 3 चरणों में आयोजित की जाती है, जिसमें स्क्वाट, जिसमें वेट को कंधों पर उठाकर उठना और बैठना है, बेंच प्रेस, जिसमें वेट को लेटकर उठाना, व डेडलिफ्ट, जिसमें वेट को नीचे झुककर उठाना पड़ता है। तीनों चरणों के बाद स्कोर अकाउंट दिया जाता है। मेरा नाम नितेश और मैं घूटे का रहने वाला हूँ, प्लस वन क्लास में पढ़ता हूँ। और मैंने मेरे सर जो गुरुजी हैं मेरे, मैं कम से कम भी मेरा एक दो साल से मैं जिम में आ रहा हूँ और मेरा फर्स्ट कंपटीशन है जिसमें मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। और मैं और बच्चों को भी ये संदेश देता हूँ कि ना जिम में आए और नशे पत्ते दूर रहें और अपना ना अपना कैरियर ना सिर्फ सफल करें, ठीक है। और देखो, मुझे वहाँ पे जाने के लिए फ़ीस नहीं थी, कुछ नहीं थी, मेरे पापा के पास सिर्फ 500 या 1000 रुपये पड़े थे। वो भी उस वो सोचते थे कि घर का खर्चा चलाएं, फिर भी उन्होंने ना अपना घर का खर्चा छोड़ के सिर्फ मुझे भेजा कि ये लाइफ सक्सेस हो जाए। सिर्फ सारा श्रेय मेरे पापा जी को और मेरे गुरु जी को जाता है। उन्होंने दिन रात मेहनत किया मेरे लिए, जब जाकर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ इस लाइन पर, और मैं आगे चाहता हूँ कि अपने देश के लिए खेलूँ और वहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल करूँ। सोनिया, मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं सब लोग मुझे मोटी मोटी कह के चिढ़ाते थे, पर ना मेरे 2 साल में ये पहला कॉम्पिटिशन आया है और मैंने पहले कॉम्पिटिशन में सिल्वर मेडल हासिल किया। और सब लोग मुझे मोटी मोटी कहते थे ना, मैं उनको यही कहती हूँ कि वो आगे से मुझे मोटी ना बोले, और इनकी इतनी हिम्मत भी नहीं आती मुझे मोटी बोलते। तो अब आप क्या लिया, सिल्वर मेडल हासिल किया आपने जी, तो अब आपका लक्ष्य क्या है आगे? मेरा लक्ष्य यही है कि मैं आगे जाके अपने देश के लिए खेलूं और आगे गोल्ड मेडल हासिल करूं। तो कहां से प्रेरणा मिली आपको भी मैं जिम ज्वाइन करूं? पहले मेरे पापा ने बताया था कि तू जिम ज्वाइन कर। पहले मुझे कुछ नहीं पता था जिम क्या होती है, फिर मेरे पापा ने मुझे भेजना स्टार्ट किया, फिर जब जाके मैंने ये यहाँ तक पहुँचूँ, मैं यहाँ तक पहुँचूँ ना, सबका क्रेडिट मेरे गुरु को और मेरे पापा को जाता है। कैसा महसूस करते हैं आप जब ज्वाइन कर लिया, सिल्वर मेडल आपको मिल गया, कैसा महसूस हो रहा है? मैं बहुत खुश हूँ। तो दूसरी जो लड़कियां हैं और उनको क्या कहेंगे आप? जो लड़कियां हैं उनको वो भी अपना फिट रहे, अपने ध्यान रखे और वो भी जिम में जाए, अपने लिए कुछ करे। और जिम तो ये प्रतियोगिता हुई थी जी 7 तारीख को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट थी करनाल खालसा कॉलेज में, जिसमें हमारे 7-8 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उनकी सिलेक्शन हुई थी स्टेट के लिए पानीपत में थी जो 9 से 10 तारीख के बीच में। तो उसमें हमारे 2 बच्चों ने सिल्वर मेडल हासिल किया है, जिसमें एक सलोनी है लड़की जो सब जूनियर कैटेगरी में थी और एक नितेश जो जूनियर कैटेगरी में था। और ये जो सलोनी थी ये हमारी जिम की पहली लेडीज है, लड़की है, गर्ल है, जिन्होंने अपना पहले ही अटैम्प्ट में पहली बार में ही अपना स्टेट में सिल्वर मेडल हासिल किया है। और अभी इनकी सिलेक्शन दोनों लड़के और लड़की की अभी उड़ीसा में नेशनल के लिए हो चुकी है। तो बस हमारा तो यही है कि विन की और अच्छी तैयारी कराए और वहाँ पर विन का गोल्ड मेडल आए। हाँ जी हाँ जी,
इससे पहले भी हमारे जिम से 3 लड़के वर्ल्ड के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं, उनको देख के एक दिन उन्होंने शुरुआत की थी और उस शुरुआत का ये नतीजा आया कि आज खुद इन बच्चों के मेडल आने स्टार्ट हो गए हैं और इनको देख करके अब बच्चे और मोटिवेट हो रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई हम भी प्रैक्टिस करेंगे और हम अपना भी अपने माँ बाप का, गांव का, स्टेट का और इंडिया का नाम रोशन करेंगे। तो कौन सी प्रतियोगिता थी ये, क्या था इसमें, वेट लिफ्टिंग थी या ये थी? पावर लिफ्टिंग थी, जो 34वीं नेशनल पावर लिफ्टिंग थी ये यहाँ पर पानीपत में जो 9 से 10 तारीख के बीच में ऑर्गेनाइज हुई थी। तो इसमें जो जिसके मेडल आने थे फर्स्ट या सेकंड, तो उनकी सिलेक्शन अब नेशनल के लिए होनी है जो उड़ीसा में होगी। अभी उसकी डेट फिक्स नहीं है, मे बी शायद मई में हो। तो क्या नेशनल में सिलेक्शन होगी? हाँ, इन दोनों बच्चों की नेशनल में सिलेक्शन हो चुकी है। तो किस प्रकार की अब तैयारी कराई जाएगी बच्चों से ताकि ये गोल्ड मेडल ले गया? हाँ, अभी तो तक तो इनकी मेहनत तो बहुत अच्छी करते हैं, मेहनत तो दोनों बच्चे, लेकिन अब इनकी दोनों टाइम मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, 2 से 2.5 घंटे मॉर्निंग में और 3 से 3.5 घंटे इवनिंग में अब इनकी प्रैक्टिस चलेगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को? बस युवाओं को तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि भाई नशे पत्ते से दूर रहे, जिम को ज्वाइन करें, अगर जिम नहीं करें कुछ भी फिजिकली एक्टिविटी करें और फ़ोन वगैरह से इन चीज़ों से थोड़ा इनको अवॉइड करें और अपनी फिटनेस के प्रति जागरूक हो, क्योंकि जब तक शरीर है फिट रहेंगे तब तक ये सब चीज़ की वैल्यू है। जब जैसे ये शरीर खत्म हो सारी चीज़ों की वैल्यू खत्म है। तो जिम ज्वाइन करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जिम पे आओ, ये नहीं कि भाई यहीं पर, कहीं पर भी हो आप, कहीं भी किसी भी जिम पे जाओ और फिट रहो। हमारा तो सभी बच्चों को सिर्फ यही संदेश है। तो जिस प्रकार से सरकार ने ओपन जिम भी लगाए हैं, क्या वहाँ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या गुरु के दिशा निर्देश में करनी चाहिए? प्रैक्टिस तो कोई भी कहीं भी कर सकता है जी, लेकिन आपको सभी को पता है कि बिना गुरु के तो कुछ भी नहीं है। हम थे, हमारे को भी हमारे गुरु जी ने सिखाया तो थोड़ा इस लायक बने हैं, तो आगे ये है। तो अब ये भी कहीं अच्छी दिशा में, कोई भी बच्चा जैसे अच्छी दिशा में रहेगा तो वो थोड़ा जल्दी सक्सेस हो जाएगा, बिना उसके तो अपना, बिना गुरु के तो आपको भी पता है सर ज्ञान होते ही नहीं है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.